बराबर आएगा। यस ओके, फेस सप्लाई एंड न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट पे आ जाएंगी। यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो ब्राउन वाली तार है सीधे यहाँ पर जाती है एसी लाइन जो फ्यूज़ के एकदम बगल में है, यहाँ से फेस जो है इसके फ्यूज़ में चली जाएगी। वहीं पर अगर मैं न्यूट्रल वायर देखता हूँ, न्यूट्रल आ जाता है यहाँ पर, एसी एंड लिखा होगा तो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल आ गया। ठीक है, नाउ पोस्ट दैट ऑल दी ऑपरेशन ऑफ दिस हैपेंस समथिंग विच इज सिमिलर टू आर नॉर्मल रूम एयर कंडीशनर। इफ यू सी फ्यूज के बाद मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर के बाद तुम्हारा फैन सर्किट है, तो फैन के कनेक्शन जाएंगे। यहाँ पर फैन की स्पीड जो है अलग अलग रिले के द्वारा चेंज किया जा रहा है। ओके, नेवरदलेस व्हाट आई कैन इवन सी इज अगर मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ, ओके यहाँ पर लिखा है पंप, तो बेसिकली ये तुम्हारा पंप के लिए 230 वोल्ट सप्लाई देगा, तो तुम्हारा ड्रेन पंप जो है 230 वोल्ट पे चलने वाला है। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ आई लुक ट्रांसफार्मर इन ट्रांसफार्मर आउट, ओके ट्रांसफार्मर इन एंड ट्रांसफार्मर आउट होने के बाद आप देख सकते हो 12 वोल्ट आ गया, ये डीसी में कन्वर्ट हो गया ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, उसके बाद सेम फिल्टर आईसीस रेगुलेटिंग आईसीस एंड उसके बाद 5 वोल्ट जो है अपने बाकी के ऑपरेशंस के लिए दिया जा रहा है। इसमें से भी 12 वोल्ट 5 वोल्ट निकल रहा है या हाँ 12 नहीं, ये 230 वोल्ट है, दिस वन इज 230। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ये वाला कनेक्शन देखते हो, दिस इज फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज बेसिकली वुड बी 230 वोल्ट्स एंड एसी सप्लाई। इसके ऊपर थोड़ा समझने के लिए कैपेसिटर यहाँ पर अलग से दिए हुए हैं, एयर कंडीशनिंग वायरिंग या पीसीबी, इसलिए यहाँ पर रिलेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग रिले चालू हो जाएगा, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस के कारण स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। 3 स्पीड एंड 1 न्यूट्रल, 3 स्पीड न्यूट्रल। हाँ, एंड नाउ इफ आई लुक एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज फॉर वाटर डिटेक्शन, तो इसके अंदर एक फ्लोट दिया हुआ है, ये फ्लोट के अनुसार इसका चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, एंड इट विल बी गिविंग एन फीडबैक टू द माइक्रो प्रोसेसर सेइंग दैट नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय ड्रेन और आई हैव टू स्टॉप माय ड्रेन, तो उस हिसाब से ड्रेन के लिए ये दिया हुआ है एक एडिशनल फीचर। ठीक है, ओके नाउ इस कंडीशन में नॉर्मली नहीं आएगी आपके ऊपर, इसके ऊपर पीसीबी के ऊपर कवर जाएंगे, कवर खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको वायर्स खोलने हैं इसलिए हमने कवर खोल दिया। कवर खोलने के बाद ये 4 स्क्रूज अगर हम खोल देते हैं तो अपना इसका थोड़ा ओपन आ जाएगा। इसको फाड़ना है, अगर आप इसको फाड़ोगे तो इसके अंदर एक होल मिलेगा जिससे आप फ्रेश एयर जो है अंदर की ओर ले सकते हो। नाउ इफ यू ओपन दिस पार्ट, बिफोर ओपनिंग लेट मी जस्ट टेक आउट सम कनेक्शंस सो दैट इट इज इजीयर टू टेक आउट। वन इज मोटर एंड अदर वन इज फ्लोट। या ओके, जैसे ही मैं इस पार्ट को उठा देता हूँ, अब साइड में उठा दो। ओके, because of these connections I cannot take out the entire thing, if I take out all the connections certainly I can take it out। यहाँ पर आप देख सकते हैं coil sensor यहाँ पर दिया हुआ है। Okay, this is your evaporator part, yes. This is right now in the inverted form, हम उल्टा देख रहे हैं। ये part हमने को नीचे से दिखाई देगा, इसका मतलब तुम्हारा drain का जो पानी जो है वो इसके अंदर इकट्ठा होगा in chambers में। Okay, okay, now if you see by default this side is on a little is not very deep but this side is deeper, okay, because of pump, so by default agar aap dekhte ho yahan par height bhi kam hai, slope diya hua hai, to pani jo hai pura pehle wahan bharega, yahan par aayega ek hi point pe aayega, sahi, to isiliye apne ko flat surface rakhna bahut zyada important ho jayega, agar ye flat na hat gaya to pani jo hai bahar girna shuru ho jayega, pani ikkatta hone ke baad jaise ki aap dekh sakte ho yahan par float wall hai, जब पानी भरेगा ये ऊपर की ओर चली जाएगी, सॉरी जब पानी भरेगा वो नीचे की ओर आ जाएगी क्योंकि ये उल्टा कंडीशन है, तो उस समय पे मोटर को सप्लाई चली जाएगी एंड मोटर विल स्टार्ट ड्रेनिंग, दिस इज द सक्शन पार्ट ऑफ द मोटर, स्विच दिया हुआ है इसमें। हाँ ठीक है, वो उल्टा रहेगा तो गुड, टाइट कर ले, लीक टेस्ट कर, नॉइज लेवल था सिमिलर टू आवर 1.5 टन मशीन, हाँ अपना जो 1.5 टन का मशीन है उतना ही है 47 डीबी in under specs condition, so in on the field it will be close to 50 degree 50 dBs, 50 dB, so that is very